दोस्तों, क्या आपके पेट में कब्ज रहती है? क्या आपको गैस बहुत बनती है जिसके कारण पेट फूल जाता है? या पेट से जुड़ी अगर कोई भी अन्य समस्या आपको है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको पेट से जुड़ी तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि आज हम ऐसे त्रियोग के बारे में बात करेंगे जिनका जिक्र आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में मिलता है। जी हाँ, उस योग का नाम है त्रिफला योग या त्रिफला चूर्ण। त्रिफला यानी तीन फल, हरड़, बहेड़ा और आंवला, और इन तीनों को मिलाकर ही त्रिफला बनता है। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने त्रिफला को सर्व रोग नाशक कहा है और इसकी बहुत ही प्रशंसा उन्होंने अपने ग्रंथों में की है। पर ये हमारे शरीर में जाकर करता क्या है? दोस्तों, सबसे पहले ये शरीर की आंतरिक सफाई करता है और जितना भी मल हमारी आंतों में जमा है उसको जड़ से बाहर निकालता है। साथ ही शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त, कफ, जो हमारे शरीर को धारण किए हुए हैं, उनको सम करता है। और जब ये तीनों धातु शरीर में सम अवस्था में रहती हैं, तो हमको कोई भी रोग नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, कमजोरी के कारण शरीर बीमारियों का घर बन जाता है, लेकिन यदि हम थोड़ी सतर्कता रखें और आयुर्वेद को अपनाएं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। त्रिफला के सेवन से अपने शरीर का कायाकल्प कर जीवन पर स्वस्थ रहा जा सकता है। आयुर्वेद की महादेन त्रिफला से हमारे देश का आम व्यक्ति परिचित है। वे सभी ने कभी न कभी कब्ज दूर करने के लिए इसका सेवन भी अवश्य किया होगा। पर अभी त्रिफला को लेकर लोगों के मन में काफी सवाल हैं, या त्रिफला के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हर किसी को नहीं पता। दोस्तों, इससे पहले भी हम त्रिफला अमृत के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो में घर में त्रिफला कैसे बनाए इसके बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही बाहर से खरीदा त्रिफला और घर का बनाया त्रिफला में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी विस्तार से बताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई साधारण चूर्ण नहीं है। आयुर्वेद में ये एकमात्र ऐसा चूर्ण है जो समस्त रोगों में काम करता है, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ को समान करने वाला है। दोस्तों, त्रिफला को लोग पेट साफ करने के रूप में ही जानते हैं। उनको नहीं पता कि इसके और भी अनगिनत लाभ हैं, और आज उन लाभों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की पेट से संबंधित या अन्य कोई भी समस्या है तो आपके लिए त्रिफला अमृत किसी रामबाण से कम नहीं है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि घर पर आसानी से त्रिफला अमृत कैसे तैयार करें, और फिर इसके बाद जानेंगे कि त्रिफला को किन किन चीजों के साथ खाने से कौन कौन सी बीमारियां जड़ से खत्म होती हैं। त्रिफला अमृत बनाने के लिए आयुर्वेद में अलग अलग विधियां बताई गई हैं, और उनके सेवन करने पर उनके असर भी अलग अलग हैं। हाँ दोस्तों, जैसे 1:1:1 वाला त्रिफला यानी समान मात्रा वाला त्रिफला, जैसे हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, इस तरह। इसके अलावा 1:2:3 और 1:2:4 वाला त्रिफला का उल्लेख चरक संहिता में मिलता है। बाजार में जो त्रिफला मिलता है वो समान मात्रा वाला होता है, 1:1:1 वाला, और इसमें डाली गई चीजें भी आयुर्वेद के ग्रंथों के बताए अनुसार नहीं है, यानी छोटी हरड़ की जगह बड़ी हरड़ इस्तेमाल में ली जाती है। इसके अलावा आंवला को काटकर सुखाने की बजाय आंवले को उबालकर सुखाया जाता है, जिसके कारण इन औषधियों का असर बहुत कम हो जाता है। और जब इस तरह से बनाए त्रिफला का इस्तेमाल किया जाता है तो उतना असर नहीं आता जितना आना चाहिए। और ये केवल त्रिफला के साथ ही ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि ऐसी बहुत सारी चीजें बाजार में उपलब्ध हैं जिन्हें बनाने की विधि आयुर्वेद में तो सही है, पर लोग कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उनकी क्वालिटी के साथ फेर बदल करते हैं, जिसके कारण लोग आयुर्वेद से दूर होते चले जाते हैं, और फिर आयुर्वेद चिकित्सा को देर से काम करने वाली या काम ही न करने वाली चिकित्सा के रूप में जानने लगते हैं या जानते हैं। दोस्तों, 1:1:1 वाला त्रिफला बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। केवल 1-2 बीमारी ही ऐसी हैं जिसमें सम मात्रा वाला त्रिफला इस्तेमाल करते हैं। राजीव दीक्षित जी ने बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि मुंबई में है, उसके एक वैज्ञानिक जो रेडिएशन की बीमारी से ग्रसित थे और पूरा बदन उनका सड़ चुका था, यानी जगह जगह से खून और मवाद निकल रही थी, उन पर सम मात्रा वाला त्रिफला प्रयोग किया गया और वो सफल रहा। 1.25 साल तक उन्होंने सम मात्रा वाला त्रिफला खाया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। दुनिया में रेडिएशन की बीमारी का इलाज नहीं है, पर हमारे त्रिफला के पास इसका इलाज है। दोस्तों, इसके बाद 1:2:3 और 1:2:4 वाला त्रिफला पूरे शरीर की सफाई
और कायाकल्प के लिए सर्वोत्तम बताया गया है और इसमें हमारा खुद का अनुभव भी है। पहले हमने 1-2-3 अनुपात वाला त्रिफला प्रयोग किया और काफी लोगों को इसका सेवन भी कराया और परिणाम बहुत ही अच्छे थे। फिर आयुर्वेद में त्रिफला की गहन रिसर्च और कुशल वैद्याचार्य के संपर्क में आने पर हमें पता चला कि हम इस त्रिफला को और भी प्रभावशाली शक्तिशाली बना सकते हैं और अपने शरीर का पूर्ण रूप से कायाकल्प कर सकते हैं। त्रिफला को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें छोटी हरड़ का शोधन किया गया जिससे इसका प्रभाव 4 गुना और अधिक बढ़ गया। दोस्तों इसकी शोधन विधि बहुत ही सरल है, आप इसे घर पर आसानी से कर सकते हैं। हरड़ का शोधन करने के लिए मिट्टी के किसी बर्तन में हरड़ को अच्छी तरह से सेकना है और सेकने पर वो फूल जाती है, फिर आप इसे उतार लें, यही शोधन विधि है। दोस्तों शोधन करने से इसमें जितनी भी जो अशुद्धियां होती हैं वो सब मिट जाती हैं, फिर आप इसे त्रिफला बनाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं। 1-2-4 वाला त्रिफला बनाने के लिए छोटी हरड़ लीजिए 100 ग्राम जो कि शोधन की हुई हो, फिर बहड़ा 200 ग्राम और सूखा आंवला 400 ग्राम। दोस्तों आंवला जब भी ले तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर वो काला है तो उसे बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि उबालकर सुखाने से आंवला काला पड़ जाता है और उसकी शक्ति भी कम हो जाती है। इसलिए त्रिफला बनाने के लिए हमेशा भूरा आंवला ही ले और ये काटकर सुखाने पर ही भूरा होता है। तीनों सामग्री 1-2-4 को अलग अलग पीस कर पाउडर बना ले और आपस में मिला ले तो हो गई आपके घर पर ही त्रिफला अमृत तैयार। दोस्तों अगर इसे बनाने में आपको कोई समस्या आए या आप बनी बनाई हमसे मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब जानते हैं पूरे शरीर की सफाई करने के लिए हमें त्रिफला अमृत किस तरह से सेवन करना है। दोस्तों पेट साफ करने के लिए आप त्रिफला का रात्रि भोजन के 2-2.5 घंटे बाद इसका सेवन कर सकते हैं और फिर जब आप सुबह उठेंगे तो 2-3 गिलास गुनगुने पानी की पिए ताकि प्रेशर अच्छे से बन सके। इससे आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा और आपका पेट आपको बहुत ही हल्का महसूस होगा। दोस्तों त्रिफला में मिली छोटी हरड़ को आयुर्वेद में माँ का दर्जा दिया गया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में ये कहा गया है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है उसी तरह हरड़ शरीर के आंतरिक अंगों की देखभाल कर सकती है। त्रिफला की ये तीनों जड़ी बूटियाँ आंतरिक सफाई को बढ़ावा देती है। अगर मैं इसके लाभों के बारे में बात करूं तो इसके इतने सारे लाभ हैं कि इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। फिर भी जो मोटी मोटी समस्याएं या रोग लोगों को हो रहे हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। त्रिफला को लेकर काफी मित्रों के मन में एक सवाल उठता है कि इसका कितने दिन तक सेवन करना चाहिए। दोस्तों त्रिफला का सेवन आप लगातार कर सकते हैं और ये जरूरी नहीं कि किसी को पेट से जुड़ी या अन्य कोई समस्या होने पर ही वो त्रिफला का सेवन करे। अगर आपको कोई रोग नहीं है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। चरक संहिता के अनुसार एक व्यक्ति बिना किसी बीमारी के दैनिक रूप से 1 वर्ष से अधिक समय के लिए त्रिफला का सेवन कर सकता है, लेकिन कितनी मात्रा में करना है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप थोड़े समय के लिए त्रिफला का सेवन करना चाहते हैं तो आप इसकी मात्रा 5 ग्राम यानी 1 चम्मच तक रख सकते हैं और 5 से 6 सप्ताह तक आप इसी मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लंबे समय तक इसका सेवन करना चाहता है तो इसकी मात्रा प्रतिदिन 1 से 2 ग्राम होगी। इसी मात्रा में आपको सेवन करना होगा। तो ये हो गया मात्रा के बारे में कि कितनी मात्रा में आपको त्रिफला लेना है। अब जानते हैं कि अलग अलग बीमारियों में किस किस तरह हम त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों चरक संहिता के अनुसार आंखों की समस्या होने पर त्रिफला को शहद और घी के साथ खाने का योग बताया गया है। अगर आपको आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या है जैसे आपकी नजर कमजोर है या आंखों में मोतियाबिंद है, काला मोतिया है या आंखों में जलन जैसी कोई भी अन्य समस्या है तो उसके लिए त्रिफला का ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इस उपाय को करने के लिए 1 चम्मच बारीक त्रिफला चूर्ण लें, फिर 2 चम्मच गाय का देशी घी और 1 चम्मच शहद लें। इन सबको आपस में मिलाकर सुबह के समय नियमित सेवन करने से आंखों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। दोस्तों इस नुस्खे को करते समय ध्यान रहे कि जो देशी गाय का घी और शहद आप इसमें इस्तेमाल करेंगे वो एकदम प्योर होने चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ आपको मिल पाएगा। दोस्तों शहद और घी दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिसमें लोग पैसा कमाने के चक्कर में मिलावट करते ही हैं, इसलिए आप सतर्क रहें। अगर आपके पास ये दोनों चीजें उपलब्ध हैं तो बहुत बढ़िया है, आप आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं।
और अगर आपको इनकी शुद्धता की पहचान नहीं है या शुद्ध देशी घी शहद खरीदने में परेशानी हो रही है, तो जहां से हम शहद और घी खरीदते हैं आप भी वहां से इनको खरीद सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा आप रात में एक चम्मच त्रिफला चूर्ण एक गिलास पानी में डालकर रख दें, फिर सुबह होने पर इस पानी को छानकर इससे अपनी आंखों को धोएं। इस सरल से उपाय से भी आपकी आंखों की सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर कोई मोटापे से परेशान है तो वो भी त्रिफला के इस प्रयोग से अपने मोटापे को फालतू चर्बी शरीर से कम कर सकता है। वजन कम करने के लिए त्रिफला का काढ़ा बनाकर लिया जाता है। शरीर में जमी फालतू चर्बी को दूर करने के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाकर उसे खूब गर्म करें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छान कर गुनगुना रहने पर उसमें एक चम्मच शहद की मिलाएं और फिर आप इसका सेवन करें। इस वाले प्रयोग को आप खाली पेट भी ले सकते हैं और नहीं तो खाना खाने के 1.5 घंटे बाद इसका सेवन करें। केवल 15 दिन में इसका असर आपको हो जाएगा और साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही मजबूत बनेगा, जिससे आपके द्वारा खाया गया खाना फालतू चर्बी में नहीं बदलेगा। तो शरीर में फालतू चर्बी को कम करने के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये त्रिफला एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। अगर आपके शरीर पर कहीं चोट या घाव है तो इसका काढ़ा बनाकर धोने से घाव जल्दी भर जाते हैं। त्रिफला दुर्बलता का नाश करता है और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। दुर्बलता का नाश करने के लिए त्रिफला को देशी घी और मिश्री में मिलाकर खाना चाहिए। इस उपाय से आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, भूख खुलकर लगेगी, खाया पिया शरीर को लगने लगेगा और धीरे धीरे आपका दुबलापन खत्म हो जाएगा। इस प्रयोग को आप 1 महीने तक कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिफला मूत्र संबंधी सभी विकारों व शुगर में भी बहुत लाभकारी है। साथ ही ये हाथों में जमी गंदगी, क्षीण प्रतिरोधक क्षमता में कमी, मोटापा, मधुमेह, पेट फूलना, पीलिया, पायरिया, खून की कमी, दमा, अस्थमा, खांसी, कैंसर, उच्च कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, सामान्य जुखाम आदि गंभीर बीमारियों में ये लाभकारी है। दोस्तों, आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि किन लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए। गर्भवती और स्तनपान के दौरान महिला को त्रिफला न दें, इस बात का ध्यान रहे। इसके अलावा 6 साल से छोटे बच्चों को त्रिफला न दें। दोस्तों, कुछ लोगों में त्रिफला मूत्रल गुण दिखाता है, यानी जिनको पहले से ही अधिक मूत्र आने की समस्या है वो त्रिफला का रात में सेवन न करें। त्रिफला को लंबे समय तक लेने के लिए इसे कम मात्रा में और छोटी अवधि के लिए ज्यादा मात्रा में लिया जा सकता है। तो आप इसका सेवन करिए और अपने जीवन को रोग मुक्त करिए। और हाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, त्रिफला को आयुर्वेद में 40 दिन लेने का कायाकल्प योग भी है, जिससे पूरे शरीर के रोग समाप्त होकर शरीर एक बार पुनः जवान बन जाता है। साथ ही हमारे द्वारा खाए भोजन में से सप्त धातु भी बनने लगती है। अगर आप इस योग को जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए और 50,000 लाइक के इस गोल को पूरा कीजिए, ताकि हम अगली वीडियो में इसकी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, इस वीडियो को आप केवल अपने तक ही सीमित न रखें, क्योंकि पेट से संबंधित बीमारियों से आज सभी लोग परेशान हैं। इसलिए हमें हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाना होगा। तो जल्दी से शेयर बटन पर क्लिक कीजिए और अपने मित्रों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और अंत में आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।